गैम्बोगे, गैम्बोगे क्या है? सुनने में यह बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है, जैसे कोई बड़ा जानवर टाइप। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि गैम्बोगे कोई जानवर नहीं बल्कि एक कलर है? जी हाँ दोस्तों, एक कलर। तो आज हम आपको तीन ऐसे यूनिक कलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपने सुनी या देखी तो सबने होगी, परंतु इसके बारे में आप में से जानते बहुत कम ही लोग होंगे, और अगर कुछ लोग जानते भी होंगे तो उसे गलत नामों से। और वीडियो के अंत में जानेंगे आप दोस्तों इतिहास में हुई आज के दिन की घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है ओके वीडियोज में। गैम्बोगे, गैम्बोगे सरसों के गहरे पीले रंग जैसा होता है, मगर ये पीला रंग नहीं होता, इसे भगवा रंग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवा रंग, जिस रंग के वस्त्र संत लोग पहनते हैं तथा बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग भी पहनते हैं। दोस्तों, है ना ये यूनिक कलर। इस कलर के कपड़े योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, वह भी पहनते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अपने दूसरे कलर के बारे में जिसका नाम है फेलो। जी हाँ दोस्तों, फेलो एक प्रकार का ऐसा रंग है जो कि नदी के किनारे पाए जाने वाले उपजाऊ मिट्टी पर या फिर जोती गई उपजाऊ जमीनों पर पाया जाता है। दोस्तों, इस कलर को परती रंग भी कहा जाता है। और दोस्तों, यह सबसे यूनिक इसलिए है क्योंकि यह कलर काफी कम पाया जाता था तथा दिखने में भी काफी आकर्षक होता है। दोस्तों, अगर जानवरों में बात किया जाए तो डियर एक ऐसा जानवर है जो कि फेलो कलर में पाया जाता है, तथा पक्षियों में बजीज और बुरकी नामक पक्षी भी फेलो कलर में पाए जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी कलर के बारे में। तो हमारा तीसरा कलर है येलो। जी हाँ दोस्तों, येलो यानी कि पीला। अब आप सोच रहे होंगे कि येलो कलर तो हम सब जानते हैं, फिर ये यूनिक कैसे? तो फिर दोस्तों, यह यूनिक ऐसे है कि इस कलर को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने सन 1930 में इस बात की पुष्टि कर दी है कि येलो कलर बाकी सभी कलरों के मामले में काफी आसानी से दिखाई दे देता है। यदि किसी व्यक्ति के पास कई रंगों का सामान है तो उसका ध्यान पीले रंग पर ऑटोमेटिकली सबसे पहले जाएगा, बाकी रंगों के मुताबिक। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी रंगों पर नहीं जाएगा, लेकिन पीले रंग पे उसका ध्यान सबसे पहले जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्कूल बसों में अधिकतर पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि है बारिश, कोहरे, धूल मिट्टी, रात, दिन, इन सभी परिस्थितियों में यह आसानी से दिखाई दे जाता है, जिस वजह से दुर्घटना का खतरा भी काफी कम हो जाता है। तो दोस्तों, हुआ ना ये एक यूनिक कलर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस वीडियो के अंत में आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास के बारे में कि इतिहास में आज की डेट में कौन कौन सी घटनाएं हुई। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ओके वीडियोस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में आज का दिन। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि आज ही के दिन सन 1869 को श्री मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि हमारे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आज ही के दिन सन 1904 में हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। पर शायद आप यह नहीं जानते होंगे दोस्तों कि आज ही के दिन सन 1924 में राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से लाया गया था, बाद में उसकी पुष्टि नहीं। नंबर चार, आज ही के दिन सन 1975 में भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी राजनेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज का जन्म हुआ था। नंबर पाँच, 2001 में आज ही के दिन 19 देशों के संगठन नाटो ने अफगानिस्तान पर हमले के लिए हरी झंडी दी थी। नंबर छह और आखिरी, आज ही के दिन सन 2006 में दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन की आपूर्ति मामले पर भारत को समर्थन देने का फैसला किया था। तो दोस्तों, ये थी इतिहास में हुई आज के दिन। हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।